तो स्वागत है आप सबका। आज हम राखी सावंत के शादी पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेटली शादी हम करने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसे होने जा रहा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइव सुहागरात करने जा रहे हैं। ये बात अगर कोई भी बोलता, यहाँ तक कि जॉनी लीवर भी बोलता कि वो अपना स्वागत लाइव करने वाला है, तो मैं एक बार के लिए उसको भी देख लेता, लेकिन इन दोनों का स्वागत मैं कभी नहीं देखने वाला, क्योंकि साला पता चला डॉगी स्टाइल में डॉगी दीपक कलाल बनाए और पीछे से राखी सावंत डिल्डो लेके अपना स्टाइल इसके अंदर डालने की कोशिश कर रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हमेशा फनी हो, अलग हो, तो इस बार हम न्यूड शादी कर रहे हैं। ये जो शादी जो है तो इसका बजट हमने 70 करोड़ रखा हुआ है, तो जितने भी बाराती वहां पे आएंगे उनको हम आईफोन 12 प्लस गिफ्ट करने वाले हैं। भूसड़ी वालों, शादी तो न्यूड करने वाले, उसमें 70 करोड़ किस चीज का लगने वाला है? और वैसे भी राखी सावंत को न्यूड देखने से अच्छा तो मैं हिला के सो जाऊं। और तू भोसड़ पप्पू, क्या बोला तूने, लोगों को तू आईफोन 12 प्लस गिफ्ट करने वाला है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ की सावंत डॉल लेकर आ रहे हैं। और ये डॉल जो है वो पूरे इंडिया को सेटिस्फाई करेगी। एक सिलिकॉन डॉल होगी और जिस तरह पे यहाँ पे कांड सेटिस्फाई करेगी, मतलब जिस तरह से इंडिया में गलत कांड हो रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, तो वो डॉल के सहारे लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैं ना आज आपको एक बात लिख के देता हूँ, जिस दिन राखी सावंत का सेक्स डॉल मार्केट में आए ना, जो लोग बलात्कार करने का सोच भी नहीं सकते वो लोग भी बलात्कार करने लगेंगे। साला राखी सावंत का सेक्स डॉल, मुझे तो लगता है दीपक कलाल का सेक्स डॉल किसी किसी को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन राखी सावंत का सेक्स डॉल बिल्कुल नहीं। और बहनचोद, राखी सावंत के सेक्स डॉल को चूदने से अच्छा मैं अपना लंग काट के जमीन में दफना दूं। मेरी बूटी तो अच्छी है, आपकी बूटी के बारे में जरा बात कीजिए। आपकी बूटी इतनी टूटी हुई क्यों है, आपकी बूटी इतनी फटी हुई क्यों? वो इसके माँ ने इसके गांड में बचपन में बोरोप्लस नहीं घिसा था ना, इसलिए इसकी गांड इतनी फटी हुई है। चूती औरत बात तो ऐसे कर रही जैसे अपने पति को पहचानती नहीं है। तेरे पति को ना गांड मारना कम और गांड मरवाना ज्यादा पसंद है। शादी करने से पहले ना सोच लेगी, शादी करने के बाद तेरी कम फाड़ेगा और खुद की ज्यादा फड़वा के आएगा। खैर वो सब छोड़ो, लेकिन हाँ एक बात तो मानना पड़ेगा कि राखी सावंत का दिल बहुत अच्छा है। ये जानते हुए कि भी उसका पति का खड़ा कम होता है, उसका पति झुकता ज्यादा है, फिर भी राखी सावंत ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। लगता है इन दोनों में बहुत प्यार है। शायद मैं गलत था। खैर अभी हम ये देखते हैं कि राखी सावंत अपने शादी से कितनी एक्साइटेड है। I'm very excited. Oh my God, I'm very excited about my marriage. Oh my God, hold me. इसको ना एक्साइटमेंट नहीं, चूतियापा करने वाली माता चढ़ी है। और ये बीमारी आपको बीमार, बहुत बीमार करने से पहले मैं अपना वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए यार। और फेसबुक में भी हमारा एक पेज है, उसको भी लाइक और फॉलो करो, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलो थैंक you, bye.